अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक किचन विद बानो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इस प्यारी सी दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें। सिंपल सी रेसिपी है बनाना कस्टर्ड की, जिसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन जल्दी से बन के वो तैयार भी हो जाती है। चले चलते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। बनाना कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे दूध, तकरीबन 1 लीटर है, और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी पहले से डाल दिया था, ठंडा दूध है। अब इसको इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा दूध इसमें से हम निकाल लेंगे। आग को जलाएंगे और इसके अंदर डालेंगे, ये चीनी है मेरे पास, तकरीबन 10 खाने के चमचे मैंने चीनी के लिए। आपको मैंने जला दिया, चीनी इसमें डाल दिया तकरीबन 1/2 कप, 10 खाने के चमचे हैं, अब अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसको हम दूध को यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ दूसरा काम कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिया है बनाना कस्टर्ड, देखिए यहाँ पे मैंने 4 खाने के चमचे कस्टर्ड पाउडर, बनाना कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। इसके अंदर दूध डालेंगे जो मैंने बचाया था, ठंडा दूध। इसको हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, गुठली बाकी ना रहे। चलो देखिए जी, इसको मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। इसको करते हैं साइड पे। दूसरी साइड पे मैंने पैन लिया है, इसके लिए हम बनाना कस्टर्ड के लिए जेली तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 कप पानी और 1/2 कप बनाना जेली लिए। इसके पीछे लिखा होता है सारा मेथड, ये 2 कप के हिसाब से है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 कप डाला है। अब यहाँ पे पानी को गर्म होने देंगे, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जेली का सारा पैकेट वो डाल देंगे, बनाना जेली का। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो जो जेली आप डाल दे पाए, जली अच्छी तरीके से हो चुकी है। हाल आपको हम कर देंगे बंद, और अब इस जली को इस बर्तन में डाल देंगे, और अब इसको जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इसको हम पकाएंगे इतनी देर तक कि इसमें से जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और ये कस्टर्ड है ना गाढ़ा हो जाए। चमचा चलाते जाएंगे और इसको पकाते रहेंगे इतनी देर तक कि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और ये दूध अच्छी तरीके से गाढ़ा भी हो जाए। और सैनों से हम दूध को अच्छी तरीके से नीचे करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको 5 मिनट लगेंगे। और देखिए यहाँ पे बनाना कस्टर्ड तैयार हो चुका है, देखें इतना गाढ़ा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसकी आग को हम कर देंगे बंद, और मुसलसल इसके अंदर चमचा हिलाते रहेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे कि इसके अंदर से ये गर्म गर्म जो धुआं उठ रहा है, भाप उठ रही है ना, ये निकल जाए। फिर मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। देखिए कस्टर्ड अच्छी तरीके से हो चुका है ठंडा, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था बोल में डाल के। अब क्या करेंगे, केले लिए हैं मैंने, अब इन केले को छील लेंगे। उसी वक्त हम केले को छीलेंगे, वरना अगर पहले छील के रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। इसको हम काट लेंगे। केले मैंने काट लिए, अब इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड के अंदर। और साथ ही जो जेली बनाई है थोड़ी सी इसमें डालेंगे।
इधर देख, चल अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। देखिए अच्छी तरीके से हो चुका है ये मिक्स। अब हम इसको डालेंगे बॉल में। बॉल के अंदर हम लगाएंगे ये बिस्किट वनीला फ्लेवर के हैं, आप चॉकलेट के भी इसमें लगा सकते हैं। अब केले लगा देंगे साइड पे। थोड़े से अंदर डाल देंगे और चेरी जो बचा के रखी थी वो भी डाल देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड। बनाना कस्टर्ड मैंने डाल दिया और साइडों पे मैंने ये बिस्किट भी लगा दिए। जेली लगा देंगे। देखिए साइड दरमियान में मैंने जेली रख दी है। अब ये केले हैं, इसको थोड़ा सा अंदर डिप कर देंगे कि ये काले ना हो। ठीक है, लीजिए मज़ेदार सा बनाना कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिंपल सी रेसिपी लेकिन बेहद मज़ेदार। ये जो मीठा बनाना सबका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि एक तो इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती और पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और देखने में और खाने में बेहद मज़ेदार और खूबसूरत लगेगा। देख रहे हैं मैंने इसको दो तरीक़ों से खूबसूरत सजाया है। बड़े बॉल के अंदर भी आप, एक बॉल के अंदर भी आपको इसको सजा सकते हैं, और गिलासों के अंदर भी, गिलासों के अंदर भी आप इसको सजा सकते हैं, डाल सकते हैं। कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, तो आप इसको गिलासों में डालेंगे। ये खाने में और देखने में बेहद मज़ेदार और खूबसूरत लगे। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।